हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम, वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 1936 से लेकर 6 का उल्टा 9, 6 से लेकर 39 तक हम एक ही स्टोरी से याद करने वाले हैं सारे के सारे सेशंस और उसके प्रेसिडेंट। स्टोरी कुछ ऐसे है कि अगर 36 लाख रुपए या जवाहरात, हीरे जवाहरात होते हैं ना, जो अगर 36 लाख जवाहरात किसी अमीर के हम फ्रीज कर दें तो जो बॉस बने फिरते हैं, ज्यादा ही बॉस बनते हैं पैसे के दम पर, या सोना जिसके पास होता है, तो वो क्या करेंगे अगर उनका सारा का सारा जो जवाहरात है उनको फ्रीज कर दिए जाए? तो वो रोड पे पूरी बेचेंगे। वो क्या करेंगे? रोड पे पूरी बेचेंगे। और जब वो पूरी बेचेंगे तो जो गरीब लोग हैं, हमारे जैसे जो गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो प्रसाद बांटेंगे। खुशी खुशी के मारे में क्या करेंगे? वो प्रसाद बांटने वाले हैं सभी को। तो इससे आपको सारे के सारे याद हो गए। 36 लाख रुपए या जवाहरात, तो 36 लाख आ जाएगा, 36 लाख, लाख से लखनऊ, और जवाहरात, जवाहरात से क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगर 36 लाख जवाहरात को अगर हम फ्रीज कर दें, फ्रीज से आ जाएगा फेजपुर, फ्रीज से क्या आ जाएगा? फेज आ जाएगा। 36 के बाद 37 आ जाएगा आपका। फ्रीज कर दिया जाए आएगा, तो जाए से क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जाए से फिर जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। अगर 36 लाख जवाहरात को फ्रीज कर दिया जाए तो जो हर कोई बोस बना फिरता है, बोस से क्या आ जाएगा आपका? सुभाष चंद्र बोस। तो हर कोई जो बोस बना फिरता है, डॉन बना फिरता है, वो क्या करेगा? रोड पे पूरी बेचेगा। पूरी से क्या आ जाएगा? त्रिपुरी। पूरी बेचेगा। और जो गरीब लोग हैं हमारे, वो क्या करेंगे? प्रसाद बांटेंगे। तो प्रसाद से क्या आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। ये आपके 1936-7-8-9 तक हो गए। 36 लाख जवाहरात को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो हर कोई जो बॉस बना फिरता है पूरी बेचेगा रोड पे, और जो गरीब लोग हैं वो हमारे क्या करेंगे? प्रसाद बांटेंगे। नेक्स्ट हमारा है 47, मेरठ में जेडी कृपलानी। अच्छा, आपको ये पता है कि जो इंडिया में क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जो अपने 1857 की क्रांति है, उसमें क्या हुआ था? जब कहां से हुई थी आपको पता होगा, मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, तो मेरठ तो आपको आ जाएगा। अब जब क्रांति की शुरुआत होगी तो ऐसे तो नहीं है कि जैसे कि आजकल की मूवी में चलता है डिशू 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 डिशू, वो तो कुछ होगा नहीं। तो क्या होगा? गन्स वगैरह तो होंगी उनके पास, और गन्स होगी कौन सी? AK-47। तो 47 से क्या आ जाएगा आपका? AK-47 से 47 नहीं है। और मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई थी जब, तो मेरठ से आ जाएगा जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, जब से क्या आ जाएगा? JB। और क्रांति से क्या आ जाएगा? क्रय आ जाएगा। क्रय से क्रांति बन जाएगा, कृपलानी बन जाएगा, तो JB कृपलानी। नेक्स्ट है 1948 में जयपुर में पट्टाभी सीतारमैया। अब 1947 में आपको पता है कि इंडिया आजाद हो गया था, तो आजादी के बाद जो INC ने इतना सारा प्रयास किया है उसके लिए सभी इनकी क्या करेंगे? जय जयकार करेंगे, भी इनका काम है सारा का सारा, इन्होंने आजादी दिलाई, इतने सारे सेशंस किए हैं, मीटिंग की है इन्होंने, तो इनकी सारी क्या करेंगे? जय जयकार करने वाले हैं। और जय जयकार करने के साथ साथ खुशी भी तो मनाएंगे ना, तो खुशी कैसे मनाएंगे? वो क्या करेंगे? वो म्यूजिक लगाएंगे। म्यूजिक कैसे लगाएंगे? टेप लगाएंगे उसमें, टेप। और टेप पे गाना किस मूवी का होगा? रमैया वस्तावैया मूवी आपने देखी होगी, उसके सॉन्ग्स चलेंगे। तो इसमें 1948 में आजाद हो गया था, और जय जयकार करेंगे INC की, जय जयकार से जयपुर, और टेप लगाएंगे। तो टेप को यहां से जगह टैप है, पट्टा भी मिल जाएगा। और अगर ये नहीं मिलता तो किसके सॉन्ग लगाए थे किस मूवी के? रमैया वस्तावैया। तो ये रहा रमैया, सीता रमैया में ये रहा आपके पास रमैया, तो रमैया वस्तावैया आ जाएगा। तो 1948 में पट्टाभी सीतारमैया। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशंस थे जो मैंने सारे स्टोरी के अकॉर्डिंग सारे याद करवा दिया आपको, क्योंकि हम एक लाइन याद करते हैं तो लाइंस तो बहुत सारी बन जाती हैं। ट्रिक्स पता कैसे डालते हैं लोग, ये याद कर लो, इसका ट्रिक्स डालते हैं, ऐसे डालते हैं ल फे
हरी त्री मेज, ऐसे करके ट्रिक डालने का फायदा क्या है? अब इसको याद करो आप, तो इससे अच्छा तो क्या करो, लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, इसको ऐसे याद कर लो। तो आपको स्टोरी इमेजिन करनी है, स्टोरी इमेजिन करेंगे आप उतना आपको वहां पे ऑलरेडी ऑप्शन एक सेकंड में आपका टिक लग जाना है। इसमें आपने नहीं उलझना कि इसका ले उठा लिया, इसका पै उठा लिया, वो ऐसी ट्रिक मैं बनाते ही नहीं हूं, ठीक है। और इसके आगे की जो टॉपिक्स की ट्रिक होगी वो आपको अगले वीडियो में मिलती रहेगी। तब तक देखते रहिए मेरा चैनल स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। थैंक यू।